हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। लेकिन मेरे को लग रहा है कि दोबारा मेरे को ना ठंड लगी जा रही है, सर्दी लगी जा रही है। आप फिर मेरे गले में दिक्कत होगी। दवाइयाँ मेरी चल रही हैं फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब दोबारा दवाई लेनी पड़ेगी। और आज मैं जिस गाने का रिएक्शन लेके आई हूँ वो है अमन राज किल प्रांजल धैयान शिवा चौधरी का, मतलब प्रांजल दी का गाना है। और गाने का नाम है काले कागज। तो जी हरियाणवी सॉन्ग है, तो जल्दी जल्दी गाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे बहुत सारी कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट रिएक्शन में किसका लेके आऊँ या आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगता है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अमन राज के शिवा चौधरी काले कागज। क्यों इतना अकड़ के चलते हो, नेचुरल चोरी छाती है तुम्हारे एक फोन में, क्यों गाड़ियां भर के आती है तुम्हारे एक फोन में, क्यों गाड़ियां भर के आती है। रे छोटी उम्र में छोरे ने ये सम्मन हाई कोर्ट ते हरे रे काले हे कागज हो रे से पर से 300 दो के सारे। रे छोटी उम्र में छोरे ने डर लगता है रात में हरियाणा की सड़कों से, सोनीपत पानी पतवाली साइड के लड़कों से, सोनीपत पानी पतवाले साइड के लड़कों से। वो देख के पहन हो जावेगी छोरे मालिक मर्जी आले, हाथ में हाथ घाल चाले आर गए खाकी वर्दी आले। अंबाला जेल ते फोन करे है गोरी अपने यारे प्यारे, रे काले हे कागज हो रे से पर से 300 दो के सारे। रे छोटी उम्र में छोरे ने ये सम्मन आई कोर्ट ते आरे। अमन राज के यो छोरा सारे के रस सारे गाम टफ करे, दिया खाया बाद ड्राइव बहुत रफ करे, कर रहे इतना तो कुछ भी ना करे मेरी जान, बाकी कर रहे तो सारा जोता ठप करे से। तुम्हारे बाता पे बात पक्की बाता कसम छोरा, बड़का की तरिया ना खाता रे कसम छोरा, जड्डा के सीजन में चल रिवीजन में लाखा की खा जावे से सवरण पे सम छोरा। बड्डा बड्डा छोरे को ना मारते कर राटे, बड़ जा से गरा छोरे मार गए ना डाठे, फेर अर पैर गाना राखते हिसाब छोरे, तड़का अरसान चल खड़ा में सपाटे। काले कागज, तो जी बहुत अच्छा गाना लगा मुझे काले कागज। लेकिन देखो ऐसे गाने ना ठीक है, अच्छे लगते हैं, एंटरटेनिंग है, आप किसी की शादी में जाते तो डांस करने में बहुत मजा आएगा ऐसे ऐसे गानों पर। लेकिन ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही होते हैं। इन चीज़ों को ना अपनी लाइफ में अप्लाई ना करें, ये ना सोचें कि हाँ अम्बाड़ा जेल से फ़ोन आ रहा है, मतलब आप कोई ऐसा क्राइम करो कि आप जेल में जा रहे हो और जिसकी वजह से आपका टोरा बन रहा है, इससे कोई मतलब कोई आपका अच्छा नहीं आ रहा है कि भी हाँ आपका मतलब लाइक समझ पा रहे हो ना, रोब पड़ रहा है ना, रोब राब कुछ नहीं पड़ता। देखो गलत चीज़ें होती हैं ये, किसी के साथ गलती से कुछ हो जाता है जिस वजह से वो जेल में जाता है। और कुछ लोग जान के ना हवाबाजी में जान के पड़ें, क्लेश करें, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े करें, कुछ गंदा काम करें, तो वो गलत चीज़ है, ऐसा ना करें, बिल्कुल भी ना करें। कि मेरे तो पर्चे छपे हुए हैं हाई कोर्ट में, समन आ रहे हैं छोटी उम्र में, तो ठीक है ना, एंटरटेनिंग पर्पज से बहुत अच्छा है गाना, लिरिक्स बहुत अच्छी थी, मतलब एंटरटेनिंग पर्पज से म्यूज़िक बहुत अच्छा था,
आवाज बहुत अच्छी थी सिंगर की, लेकिन इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई ना करें, अपनी सरलता से अपनी लाइफ को जिए, दो रोटी खाएं और अपने परिवार के साथ रहें, वही सबसे बड़ा सुख है और उसी में ही सबसे ज्यादा मजा आता है। तो वैसे गाना बहुत अच्छा था, प्रांजल दिया बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट सी लग रही थी, वो तो मेरी फेवरेट है ही। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।